अपनी लंबी चोंच की मदद से यह पक्षी किसी भी जानवर पर हमला कर देता है। पेलिकन नाम से जाने जाने वाले इस पक्षी को पक्षियों की दुनिया का मगरमच्छ भी कहा जाता है, क्योंकि ये पक्षी मगरमच्छ की तरह ही कुछ भी खा लेते हैं। दरअसल पेलिकन के गले और निचली चोंच के बीच एक थैली बनी होती है। जब भी पेलिकन किसी जीव का शिकार करता है तो वो अपने गले की थैली में उसको रख लेता है और बाद में उसे खा जाता है। दोस्तों पेलिकन को लगता है कि उसकी बड़ी चोंच के कारण वो कुछ भी खा सकता है, लेकिन असल में उसके गले की थैली काफी नाजुक होती है जो कि कई बार शिकार करते वक्त नीचे से फट जाती है। पेलिकन मछलियों का शिकार तो आसानी से कर लेता है, लेकिन ये कछुए का शिकार करने के चक्कर में अपनी चोंच तोड़वा लेता है। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि कछुए का शेल काफी मजबूत होता है, जिसका शिकार करते समय पेलिकन की निचली थैली में छेद हो जाता है, और पेलिकन की थैली में छेद होने का मतलब है कि कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाएगी। असल में इस थैली का इस्तेमाल पेलिकन खाना स्टोर करने के लिए नहीं करते, बल्कि पेलिकन जो भी खाते हैं वो उनकी थैली से होते हुए उनके पेट तक जाता है। लेकिन अगर थैली में छेद हो जाएगा तो पेलिकन का सारा खाना बाहर गिर जाएगा।